मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, आप रेडी हो? मैं सबसे पहले तैयार हो रहा हूँ। सबसे लास्ट में तैयार हो रहा हूँ, सबसे लास्ट में नहीं, थर्ड नंबर पे। लेकिन सबसे पहले मैं और प्रिया दी नहाए, प्रिया दी पहले, ठीक है? फिर मैं, फिर आप, और मतलब अभी हम निकल जाएंगे इसके बाद। और दी बोल रहे गेस्ट हाउस जाओगे पहले? ब्रेकफास्ट करना पहले करना है, ठीक है। लिए हम निकलने वाले हैं क्योंकि सब तैयार हो चुके हैं, बैग पैक हो चुके हैं, तो निकलते हैं। अब आपको आगे के पता लग जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। बाय। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉलेज जा रही हूँ, मतलब मैं कॉलेज टाइम पे ऐसा बैग कैरी करती थी। बहुत कम था, मेरा किट होता था, मेरा पर्स टाइप ही होता था, बड़ा वाला थोड़ा पर्स। अभी आरा डिस्ट्रिक्ट में है और देखो यहाँ पे फ्लड आ रखा है, सब घर पानी में डूबे हुए हैं और लोग पानी में नहा रहे हैं या सेफ्टी बचाव कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन हर जगह पानी ही पानी, सारे घर यहाँ पे ना पानी। और हाँ यार, सब जगह है ना, ऐसा लग रहा है हम समुद्र में पुल के ऊपर चलते हैं पूरा। हाँ, पहले मेरे को लगा कि रिवर है, लेकिन अब लग रहा है कि फ्लड पूरा है ना भैया। तुम आ गई पीछे, नीनी आई है, हाथी तो मैं समझी, तो मेरे सुन दे। कसोली निवसना सोरे जाना जरूर। लोग अभी मोहिया के पीछे हैं और यहाँ पे ना मानिया, मैं मोहिया बोल रहा हूँ, मानिया मोहिया मानिया के पीछे है और यहाँ पे ना रोड सिंगल रोड है, कोई डायवर्जन है, पीछे मेन जो हाईवे है ना वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए उस साइड ना वहाँ पे रेलवे के ऊपर से क्रॉसिंग हो रही है हाईवे की, तो वहाँ पे काम चल रहा है और वहाँ से टर्न लेकर के हम आए। अभी हमें इस रोड से जाना पड़ रहा है। सुती थी, उठा लेता सोई। मैंने क्यों उठाया, रोड ही ऐसे। नहीं, पहले पहले सोई थी। अच्छा, पहले सोई थी। मुस्कुराइए, आप बनारस पहुंच गए हैं और अभी कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे होटल और फिर आएंगे हम यहीं पे खाने पीने, स्ट्रीट फूड, ठीक है? वाराणसी का काशी चाट भंडार बहुत फेमस है ना, वहां पे चलेंगे। और यहां की लस्सी बहुत फेमस है, मलइयो, वो तो ब्रेड वाला है ना, तो शायद ना वो मलइयो सर्दी में मिलता है। आंचल, हां जी, बनारस का पान भी टेस्ट करेंगे, ठीक है? आंचल कैसा लग रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहे सफर करके? इतना चार साढ़े चार घंटे लग गए ना? नहीं, ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है। चले अंचल, गोवा जैसी फील आ रही है ना, इससे पहले हम गोवा में रुके थे ना ताज में। चलो प्रिय, ये आप दोनों के लिए बस है। हम लोग सुबह 9 बजे से चले हुए हैं और अभी 2 बजे हम लोग पहुंचे हैं वाराणसी आकर के, बनारस आकर के, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग घूमने निकल जाएंगे, सारे घाट देखेंगे और जो भी जगह यहाँ पे घूमने के लिए वो एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ का स्ट्रीट फूड वो ज़रूर खाएंगे, चाहे तबीयत जैसी भी है, हेल्थ जैसी भी है, लेकिन यहाँ का स्ट्रीट फूड बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे। ये क्या डाला हुआ गले में आपने, उन्होंने वेलकम किया ना मेरे को, हिंदी प्रिय हमें क्यों दी उन्होंने।
लड़ो चलो चल अंचल मेरा वेलकम करो वेलकम करो मेरा से पहले हम लोग लंच करने लगे हैं। पहले हमने सोचा था कि बाहर जा करके खाएंगे, लेकिन प्रिया जी कहते हैं कि यहीं पे खा लेते हैं, बाकी शाम को हम बाहर खाएंगे। और आंचल ने अपनी प्लेट कर दिया है स्टार्ट भरने के लिए, और आंचल बहुत खुश है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं लंच में। और इसमें ये अब मतलब कि नहीं आ रहा हूँ, ये है मीठी मलाई पनीर, पनीर है हाँ, और यह है कोफ्ता, करी कोफ्ता, आलू पुदीना, काली मिर्च, इसमें आलू पुदीना है, मटर मशरूम मेरे पसंदीदा, हाँ ये ले लो, बाकी वहाँ पे मिल जाएगा सारा। सैलेड लेना है, मैं टेस्ट करने वाली हूँ, मेरे को चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद, करके देखते हैं। मेरे से क्यों लेट रही है डेट पे चॉकलेट? हो गया लंच? चले हाँ चलो चलो आगे देखना, पेट निकल गया खाना खा के पूरा फुल एकदम से, मजा आया खाना खा के। चलो पहुंच गए, चलिए ठीक, ये बड़ी जल्दी पहुंच गए, फर्स्ट हो गया ना। चलो अपन का कर्टन, सबसे पहले कर्टन, ये सेम ही आपके वाले कर्टन भी है ना? के पास भी सेम है, ऐसे दीने रूम में अपना ऐसा बनाया हुआ, कुछ 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 नहीं, बहुत कुछ ऐसा ही है। अंजल क्या दी ये, यहाँ से बाहर का क्या दिखता है कोई? मुझे लगता है ओके ये बालकनी है। तो अभी हम दी कहाँ जा रहे हैं? अब मैं तुमको दिखाने जा रही हूँ जो कि मैं पिछली बार आई थी, ताज नटेसर पैलेस, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी है और हेरिटेज प्रॉपर्टी है। सो वहाँ पे ना मतलब काफी सारे चलने को जो है वो बहुत अच्छा है, तो वो लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं सोचा हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। चलो ये बोले कि ये लिली पॉन्ड होता था और दूसरी तरफ जो पीछे रह गया अभी। ये हाल है इनों के, इनके आने के, एक तो हमारे साथ अभी गए नहीं बग्गी पे। चलो ये ना मैंने ऐसे सोचा मैं ये वाला सूट वेयर कर लूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं जो डाला वही ठीक है। और साथ में ये है हमारा वॉशरूम, क्योंकि रूम तो आपने मेरा देख ही लिया है, साथ में ये अटैच वॉशरूम है। चलिए दी लिपस्टिक लगाओ आप, निकले हम चले फिर ना। सुनो टो 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 उत 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 यस, मुझे पता एक बार आप लेट गए ना फिर होली होली कहोगे मैं सोना है मैं सोना है। इसी में मजे तो कर लिए, लेकिन अब जाएंगे धूप में। ये वाटर टैंक, ये वाटर टैंक जो कवर कर रखा है स्टील से, ओके ये अंग्रेजों के टाइम का है। अच्छा हम लोग BHU यूनिवर्सिटी में आए हैं, और ये मंदिर है श्री विश्वनाथ मंदिर, और यहाँ पे ना चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो प्रीति बोल रहे कि यहाँ पे चाय पी करके जाएंगे। आंचल चाय पीनी है? अब तो सबको पीनी है ना, क्योंकि सबको नींद आ रही है, बहुत बुरा हाल हो रखा है सबका, सबकी ना नींद से बहुत बुरी हालत हो रखी है। और आंचल बोल रहे कि फटाफट से होटल में चलो, वहाँ पे जाकर के मेरे को रेस्ट करनी है। चलो हाँ अभी आए हैं इतनी दूर से, तो मंदिर में माथा टेक करके चाय पी करके फिर चलते हैं। इसके बाद अगला मंदिर कौन सा देखना है? काशी विश्वनाथ है ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और उसके बाद घाट, वो गाड़ी में इतना सफर किया ना, थोड़ा रोड भी ऐसा ही था।
BHU का कैंपस है और यहाँ पे हर टाइम क्या शाम के टाइम पे ऐसे क्राउड रहता है। आज संडे है तो आज ज़्यादा होगा। प्रिया जी ने हम दोनों को पीछे बिठा दिया, उनसे भेदभाव कर रहे हैं, हमें डिक्की में बिठा दिया, बट नहीं हम अपनी मर्जी से बैठे क्योंकि पीछे मेरे को अकेले बैठना पड़ना था, चिकट में भी था तो वैसे मैंने कहा चल दोनों बैठते हैं इकट्ठे। हम दो जगह घूम भी आए हैं, BHU हाँ, उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज है, IIT भी है, सारे कॉलेजेस उसके अंदर है, हॉस्पिटल भी है। शाम को स्टूडेंट खाने पीने के लिए आते हैं, चाय के लिए, और साथ में टेम्पल में माथा टेकने के लिए आते हैं। चाट खाए ले जाना, क्यों पेट भरा हुआ ना, अब मन नहीं है ना। चल अगर फिर भी गुंजाइश हुई ना तो बता देना। ओके आंचल, ये यहाँ की फेमस दुकान है काशी चाट भंडार। काशी चाट भंडार, जो लोग यहाँ वाराणसी से है कमेंट करके बताना कि कौन कौन यहाँ पे काशी भंडार चाट पे चाट खाने आता है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हैं चाट खाने के लिए, और हम सबसे पहले जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल में, और उसके बाद जाएंगे किसी अगले घाट पे। आगे का प्रिय जी को पता है, वो हमसे आगे आगे चले गए। चल गलियां देख करके बटाले तो नहीं आ रहा रहा हाँ, बटाले गली ऐसे है ना, क्या हुआ पहले देखिए इतनी भीड़ से लड़ाई कर रहे थे वो सब चीजें, इतनी जोर लड़ाई नहीं थी, वो बोल रहे कि आप जूते हमारे पास उतारो और हमारे से प्रसाद लो, नहीं बीच में भी आए, किसी किसी की होती भी रहती है, इतनी क्राउड में इतना चलता रहता है। हम बोलेंगे हर हर गंगे। अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका का घाट, और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ में बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, बोला कि घाटों पानी आया, पता नहीं हमें। हाँ का घाट है आंचल, पहले ना वहाँ नीचे काफी नीचे तक जाते थे, लेकिन अब पानी आ गया ऊपर तो सारा यहाँ पहुँच गए। और ये मणिकर्णिका का घाट है, यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है डेड बॉडीज का, और यहाँ पे बोलते हैं कि 24 घंटे संस्कार होता रहता है, चिता जलती रहती है। अभी ऊपर हो रहा है वहाँ पे छत पे, पहले यहाँ पे होते हैं। चले आजकल ना गंगा रिवर में पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और इसी वजह से बिहार में काफ़ी जगह फ्लड आया, तो यहाँ पे रेस्क्यू बोट जो है वो लगातार रेस्क्यू करने के लिए गंगा रिवर में घूम रही है। फ्लड आने की वजह से ना यहाँ पे कोई भी घाट अच्छे से नहीं देख पाएंगे, हो सकता है कि जो 80 घाट है वो थोड़ा सा दिख जाए, लेकिन सारे घाट बंद कर रखे हैं क्योंकि फ्लड आया हुआ ना इसलिए। भोले बाबा आपकी नगरी काशी में आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत मन था आने का यहाँ पे, सो आज हमारा जो इच्छा है वो पूरी हुई। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, हमारे हिमाचल में जो मंडी है ना उसको छोटी काशी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी भोले बाबा जी के बहुत सारे मंदिर है। मंदिर तो होंगे, ये महादेव जी की नगरी है। सही बात है, हर हर गंगे बम बम भोले, हर हर गंगे। चले ये सारा परिसर जो है ये भोले बाबा जी के मंदिर काशी का परिसर है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ से घाट दिख रहा है आंचल, देख यहाँ से ये घाट दिख रहा है ना, आज ये घाट बंद कर रखा है फ्लड की वजह से। चलिए एक बनारस रहता था वो भी हमने देख लिया। हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल में जा रहे हैं, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम लोग माथा टेक करके आपको वापस आकर के बाहर से मंदिर दिखा देंगे जितना दिखेगा यहाँ से ना, आगे हम अंदर वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हम अंदर बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के आएंगे। चलें
भैया 50 का दिया जी। ऐसे दिखा रहे हो पानी डाल के, लीक तो नहीं कर रहा कहीं? नहीं सर, पानी डाल के बता रहा। पानी डालते हैं। हाँ पानी डालेंगे, इसमें लगा देंगे। पापड़ी चाट, पापड़ी चाट। कैसा है? ठीक है, अच्छा है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने खाना खाया हुआ है, इतना टेस्ट नहीं आ रहा। ओके ओके ओके। मैंने खाना था बहुत कुछ, लेकिन खाना खा के पेट भर गया तो फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। लेकिन बहुत लोग ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, लेकिन हम आज लेट थे और वैसे भी हमारा प्लान नहीं था, तो बाकी शायद ये सुबह यहाँ पे आएंगे। क्या देख रहे हो मेरे लिए? देख रहा हूँ इसका मुंह का है। अंचल मेरे को लेके ये स्पेशली सोफा दिखाने कि हमारे सोफे का कलर भी ऐसा है, बट मेरे को लग रहा है कि हमारे सोफे का कलर डार्क है। और अंचल ये कपड़ा है वो कुछ और चीज़ है ना, ये लगाओ कपड़ा है ये उसका स्टफ कुछ और है ना, लेकिन अच्छा है वो भी। क्या हुआ, सिटर हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है ना, चले रूम में। तो खाना वगैरह मतलब डिनर हमारा हो चुका है और वापस से हम रूम में आ चुके हैं। आज हमें हम दोनों को चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्यों, या तो यही है ड्राइव वगैरह। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में घूमते घूमते चक्कर आ गया। चलिए एनीवेज अभी हमारा सोने का टाइम हो चुका है, रेस्ट करते क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई कल की। और ना आज थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हम ना इतना घूम नहीं पाए, एक्सप्लोर नहीं कर पाए बनारस को मतलब वाराणसी को, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर घाट थे ना उसमें पानी आ चुका है। वैसे तो जो यहाँ के लोकल लोग होंगे जो हमारे साथ जुड़े होंगे वो बता सकते हैं हमें, मतलब जिनसे भी हम पूछ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि आप घाटों पे नहीं जा सकते। तो हम दूर दूर से जितना हमसे देखा गया उतना देखा, और पानी का जो बहाव है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और रेस्क्यू जो बोट्स वगैरह वो रखी ही है अंदर। बाकी जितना देखा बनारस है तो बहुत ही सुंदर और प्यारा, और लेकिन थोड़ा सा रश ज़्यादा जितना हमने देखा। बाकी बनारस हमें बहुत पसंद आया और खासकर ये ताज होटल। बाकी आपको मैं सुबह मिलती हूँ क्योंकि अभी हम सोने जा रहे हैं। बाय बाय। ओके तो मैं होटल देख रही थी, मुझे मिला एक मैसेज, अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। सही भाई यार, कि हम अपनी सोच के मालिक बोलो, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रह के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं ना तो बहुत सारी मतलब हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें करने की कैपेबिलिटी नहीं है, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, हम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं मतलब हमारी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हम जैसे ऐसे सोचते हैं कि हम इस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोटेशन है ये हमें एक ही मैसेज दे रही है कि हमारी थॉट्स से हमारी रियल लाइफ में बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्शन से, और क्या हम सोचते हैं उस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी बताना मैंने सही बोला कि नहीं बोला इस मैसेज को देख के।